हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइज, पिछले वीडियो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आने वाले वीडियो में आप लोगों को धोरे दिखाऊंगा। फाइनली आज उस धोरों वाली धरती पर आ गया हूँ। मैंने कहा था कि भाई हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर इतने बड़े धोरे नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े धोरे हैं वो हमारे नज़दीकी एरिया में हैं। पर इस धोरों पर चढ़कर भी बताऊँगा कि धोरों पर चढ़ना आसान है या फिर मुश्किल है, और धोरों पर अलग अलग प्रकार की झाड़ियाँ भी होती हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा कि वो झाड़ियाँ क्या काम आती हैं और उनका क्या महत्व है। तो बने रहना वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। गाइस, आखिर अब इस धोरे के ऊपर चढ़ गया हूँ। आपने देखा ही है कि किस प्रकार चढ़ा हूँ। देखो गाइस, धोरे के ऊपर तो चढ़ गया हूँ, अब धोरे के ऊपर का जो नज़ारा है वो दिखाऊंगा कि धोरे के ऊपर चढ़कर जो चारों ओर जो नज़ारा है वो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखिए। गाइस, धोरों के चारों ओर का नज़ारा तो आपने देख ही लिया है। अब यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर किस किस प्रकार की झाड़ियाँ हैं, यहाँ पर किस किस प्रकार के पौधे हैं, पेड़ हैं, वो सब का सब दिखाऊंगा। तो चलते हैं, अब देखते हैं। गाइस, हमारे रेगिस्तान इलाके में सबसे ज़्यादा हैं वो हैं ये आक, और हम लोग इनको मारवाड़ी में आकड़ा भी बोलते हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज, ये है कुमटिया का पेड़, और इस पर छोटे छोटे कुमटिये लगते हैं, और उन कुमटियों की सब्जी इतनी खतरनाक होती है, खाने में बहुत मज़ा आ जाता है। और अब आगे आगे चलते हैं। गाइज, इस पेड़ को देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये पेड़ किसका है। ये पेड़ है रोइडे का, और रोइडे का फूल तो हम हर वक्त हर समय काम में लेते हैं, और रोइडे का फूल राजस्थान का राज्य पुष्प भी माना गया है, और रोइडे के फूल से माला भी बनती है। ये सामने का बहुत ही शानदार व्यू जी, और यहाँ पर अनेक प्रकार के कई छोटे बड़े पेड़ पौधे झाड़ियाँ हैं। और एक ये कांटों वाला पेड़ है, आप देख सकते हो इन पर बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं। और यहाँ पर भेड़ बकरियाँ ऊंट सब चरते हैं।